ऑन कैमरा पाकिस्तान के लोग भारत की जमकर तारीफ कर रहे हैं। पीएम मोदी के पाकिस्तानी फैन हिंदुस्तान की जय जयकार कर रहे हैं। जिन शहरों से पड़ोसी मुल्क के पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर का ताल्लुक है, वहां की पब्लिक ही भारत की तरक्की से इतनी प्रभावित है कि उनका बस चले तो वो अपना बोरिया बिस्तर समेट कर भारत आ जाएं। सोशल मीडिया में तो अब यह दावा भी वायरल हो रहा है कि 15 करोड़ पाकिस्तानी भारत आने के लिए बेचैन हैं। इस दावे को परखने के लिए पाकिस्तान से आया जरा ये सर्वे देखिए। इस सर्वे में शामिल बयान पाकिस्तानियों के हैं। पाकिस्तान से ताजा सर्वेक्षण, हिंदुस्तान में बसने का मन। जो एरिया देखना चाहूंगी इंडिया का, दैट इज फ्रॉम द साउथ और उसका नाम है कर्नाटका। दैट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया। लाहौर कराची से मन उबा, जिन्ना लैंड भारत प्रेम में डूबा। इंडिया का अगर देखा जाए तो इंडिया हमसे काफी आगे है। मुनीर के इलाके से आई आवाज, भारत की तरक्की पर हमें नाज। जैसे आपको रिसेंट बताया उन्होंने सैटेलाइट भी वो लॉन्च किया था, तो उसके अलावा भी इंडिया आईटी में हमसे बहुत आगे। ऐसे एक नहीं अनेकों कबूलनामे हैं। कैमरे पर कई पाकिस्तानियों ने हिंदुस्तान की तरक्की को सलाम किया और कईयों ने तो यहाँ तक बोला कि वो हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रखने के लिए बेताब हैं। हिंदुस्तान में बसना ही उनका मकसद है। जिन्ना लैंड से आज आप जो सुनेंगे वो आधे पाकिस्तान का पश्चाताप है। कट्टरता के नशे में चूर जिन लोगों ने एक नया मुल्क बनाया, उन लोगों को वहां की युवा पीढ़ी कोस रही है, धिक्कार रही है, लानत भेज रही है। मौका मिले डेफिनेटली तो मैं सबसे पहले तो जो एरिया देखना चाहूंगी इंडिया का, दैट इज फ्रॉम द साउथ और उसका नाम है कर्नाटका। दैट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया एंड वो बहुत खूबसूरत है, इतनी कलरफुल है कि यू विल फील लाइक दैट यू आर इन हेवन उस प्लेस में जाते हुए। एग्जैक्टली इस वक्त नेट पे देखिए, बट डेफिनेटली आई एम गोइंग टू विजिट दैट एरिया। और उसके बाद जिसे मैं मिलना चाहूंगी वहां पे, दैट इज वन ऑफ द माय फेवरेट एक्टर एंड हर नेम इज यश फ्रॉम केजीएफ। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर पाकिस्तानी आवाम की नजरों में मौजूदा सबसे बड़े विलेन हैं, क्योंकि भूख, कंगाली और बेरोजगारी के ट्रिपल अटैक से छलनी आबादी को राहत मिल जाए, ऐसा कोई ब्लूप्रिंट दोनों के पास नहीं है। कुछ है तो वो है आंकड़े जो बताते हैं कि पाकिस्तान धरती का नर्क बन चुका है। सीरिया, यमन और इराक जैसा नर्क। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की ताजा रिपोर्ट बताती है कि वहां करीब 25% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, यानी 5.5 करोड़ की आबादी। 2022 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान का स्कोर था 0.544, जो कि यमन और अफगानिस्तान के बाद एशिया में सबसे नीचे है। मैं गाड़ी पकड़ूंगी तो मैं सीधा सबसे पहले जाऊंगी पंजाब। पंजाब में जाके उनकी जो ड्रेसिंग होती है ना बड़ी मजे की, वो करूंगी और पूरा पंजाब घूमूंगी। वहाँ के फेवरेट सिंगर से मिलूंगी जो मुझे फेवरेट है मेरे। फूड भी लूंगी, इंडिया की मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि वो फूड्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं और कम पैसों में साफ सुथरा फूड देते हैं, उनकी मुझे एक प्लस पॉइंट लगता है। तो वो मैं फूड, वहाँ का वड़ा पाव बड़ा मशहूर है वो खाऊंगी, और चीज़ को बड़ा वो आगे करते हैं तो मैं चीज़ वाली चीज़ें खाऊंगी और साड़ी, बनारसी साड़ी वहाँ की पहनूंगी। पाकिस्तान में कहीं निकल जाइए, गली गली में मुफलिसी और बदहाली के प्रमाण मिल जाएंगे। जो गिने चुने लोग कम उम्र में ही नौकरी पेशा हो गए वो भी कह रहे हैं कि इस मुल्क में गुजारा करना मुश्किल है। बहुत सारे दोस्त गए हैं और बाहर चले गए हैं और इंडिया के लोग, उनके पास अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा है, उनके पास सब कुछ है, तो उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सैलरी हमारी देख लो, हमारी सैलरी अगर अब एक है, जैसे मैं अब जैसे मैं हूँ मिसाल के तौर पे, अब मेरी अगर 60 सैलरी है तो हालांकि मैं अनमेरिड हूँ, लेकिन इसके बावजूद जो मेरे मंथली एक्सपेंस है नहीं पूरे, वो बिल्कुल भी पूरे नहीं होते, यानी कि 30-40% जो है ना उससे अचीव ऊपर चले जाते हैं। करप्शन के खिलाफ लड़ने वाली जर्मनी की संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान 140वें नंबर पर है। ऊपर से महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। इस वक्त पूरी दुनिया में कराची के लोग सबसे महंगा आटा खरीद रहे हैं। 1 किलो आटे के लिए 160 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। आटे के लिए तरसती नजरें जब भारत की तरक्की की खबर देखती हैं, तो पाकिस्तान से मोहब्बत मर जाती है और जबान अपने आप हिंदुस्तान के कसीदे पढ़ने लगती है। बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इंडिया का अगर देखा जाए तो इंडिया हमसे काफ़ी आगे है मेडिकल की फील्ड में भी, और इसके अलावा भी जैसे आपको रिसेंट बताया उन्होंने सैटेलाइट भी वो लॉन्च किया था चंद्रयान 3। जी बिल्कुल,
तो उसके अलावा भी इंडिया आईटी में हमसे बहुत आगे। आप ये देख लें कि जितना भी ये गूगल के सीईओ बैठे हैं या जितने भी सीईओ हैं मोस्टली इंडिया के हैं, तो पाकिस्तान का मेन के इंटरनेशनल लेवल पे वो वाला वो भी नहीं है सिस्टम। तो एग्रीकल्चर में भी इंडिया, मैंने एग्रीकल्चर पढ़ी है, तो इंडिया बहुत आगे हमसे। वो उन्होंने बहुत से मतलब ब्रीड उन्होंने की हैं जनरेट, और पाकिस्तान बहुत पीछे है ओवरऑल अगर देखा जाए तो। ये गवाही क्लियर कट मैसेज है इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों को। मैसेज ये कि भारत के सामर्थ्य को समझो और भारत की वैश्विक नीति का अनुसरण करो। लेकिन उफ, ये कट्टर जमात कुछ समझना ही नहीं चाहती। मेरी बात का बुरा नहीं मानना, हमारी बेटियों, हमारा ये सेवा नहीं है, हमारा ये कल्चर नहीं है। हमारा काम है बाप पढ़ता रह के जो भी काम करना है। हम लोग अपने राह रास्ते हट गए हैं। जिधर भी कोई इंसानियत नहीं होगा तो यही होगा ना। आपके ऊपर भी अभी जो गलत बात करेगा ना, मुझसे दो बात भी गलत निकालेगा ना इस मुल्क के खिलाफ, यकीन मांग लो शाम तक तुम्हारा पते भी नहीं चलेगा। पाकिस्तान और भारत के आर्थिक और सामाजिक हालात में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन आगे जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो ये बताती है कि नरेंद्र मोदी फैक्टर ने इतना अंतर बढ़ा दिया है कि पाकिस्तान ये मानने को मजबूर हो चुके हैं कि कयामत के दिन तक भारत से मुकाबला करने की कुव्वत उनमें न कभी थी न कभी होगी। तो अभी तक आपने जो कुछ सुना उसमें पाकिस्तान की बदहाली और भारत की तरक्की, दोनों का अंतर पड़ोसी मुल्क की आवाम साफ साफ समझा रही है। लेकिन अब जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो बयान पाकिस्तान की हुकूमत और वहां की सेना दोनों को शर्मसार करने वाली है। पाकिस्तान की आवाम शरीफ जरदारी और सेना की लीडरशिप को खारिज कर रही है और पीएम मोदी के गुणगान कर रही है। सुनिए जरा। जिस सऊदी अरब को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर माना जाता है, वो सऊदी अरब नरेंद्र मोदी को 7 साल पहले ही अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे चुका है। This honor is named after the founder of the modern Saudi state, Abdulaziz Al Saud. Among other notable recipients of this honor are US President Barack Obama, British Prime Minister David Cameron. अप्रैल 2016 की इन तस्वीरों को पाकिस्तान आज तक नहीं भूल पा रहा है। सऊदी अरबिया, जहाँ पे आपका मक्का मदीना है, जहाँ पे हज होते हैं, आपके उमरे होते हैं, वो मोदी को अच्छा कह रहे हैं। दुबई, ये यूएई इंडिया के कश्मीर में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इंडिया के कश्मीर को वो स्विट्जरलैंड बनाने जा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज उधर बन रहा है, यूनिवर्सिटियां उधर बन रही है, मीडिया उधर आजाद है, 5G उधर चल रहा है, 6G की तैयारियां उधर हो रही हैं। अब मुझे ये बताएं कि वो लोग जब तरक्की कर रहे हैं तो हम कैसे कह देंगे यार वो तरक्की नहीं कर रहे, हम उन्हें बुरा कैसे कह दें मोदी को। मोदी नीति का असर, भारत की धमक और भारत वंशों के टैलेंट ने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। आसिम मुनीर की किलर फौज की दहशत के बावजूद पाकिस्तानी ये बोलने को मजबूर हैं कि नरेंद्र मोदी का डंका दुनिया में बज रहा है। इंडियन मुस्लिम लड़की का कल मैं इंटरव्यू सुन रहा हूँ, खुदा की कसम मेरे रोंगटे खड़े हो गए वो इंटरव्यू सुन के। उसने कहा हम इतने खुश हैं इस इंडिया में, इतने खुश हैं, हमें कोई तंग करता नहीं है, हमें कोई जबरदस्ती कोई बात नहीं करता, कोई हमें पूछता नहीं है, ये सिर्फ मीडिया में दिखाते हैं। टेक्नोलॉजी हो या संस्कृति, पौराणिक पहचान को विज्ञान के साथ भारत ने जिस तरह संजो रखा है उससे पाकिस्तानी दंग हैं। जिन्नालैंड में लोग मोबाइल पर भारत के वीडियोस देखते हैं, भारत के शहर देखते हैं, भारतीय पकवान देखते हैं, रंग बिरंगी भारत की ब्यूटी पाकिस्तानियों को बेचैन कर देती है। अब हमारा वो रह ही नहीं गया कंपटीशन के जी अब इंडिया ये है तो इंडिया वो, अब नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी है। आप देखो यार कहीं पे भी कंपटीशन बहुत अप हो चुका है, इंडिया तो हमसे बहुत बहुत आगे जा चुका है, हम तो अभी बहुत पीछे हैं। हम बांग्लादेश का अब 2%, हम हर बंदे को कह देते हैं 2% का आदमी, अब जो टका है वो भी 3 रुपए ऊपर हो गया हमारे से, बांग्लादेश हमसे बहुत ऊपर चला गया।
पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी के साथ साथ चंद्रयान भी सुपर वायरल है। चंद्र विजय शुद्ध हिंदुस्तानी अभियान को देखकर पड़ोसी सरेंडर है। वो भारत की कामयाबी को एशिया की कामयाबी मानकर ही खुश है। देखिए जी, अब इंडिया जो है वो चंद महीनों के बाद अपना सियारा खिलाफ भेज रहा है। बिल्कुल देखिए, 16 अरब रुपया 700 अरब रुपया उनका लग रहा है, और हम 2 अरब के लिए IMF के जो है उनके तल्ले मिनते कर रहे हैं, और हमारे ऊपर वो बोझ डाल रहे हैं। हमारे जो है ना सर जो है ना वो शर्म से झुक जाते हैं जब वो हमारे से पूछते हैं ना कि आप कौन से मुल्क से ताल्लुक रखते हैं। जब हम पाकिस्तानी बताते हैं ना, कहते यार वहाँ का तो हुकूमत ही फ्रॉड है, हालात नहीं सही है, कि आप कैसे मुल्क के अंदर गुजारा कर रहे हैं। ये जबर भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। जिन्ना की 1947 वाले गुनाह की कीमत पाकिस्तान को अपने वजूद खोने तक चुकानी पड़ेगी, और रोज चुकानी पड़ेगी, क्योंकि अब रिटर्न टिकट पॉसिबल नहीं है। जब भी ताकतवर देशों का जिक्र होता है तो रूस का नाम टॉप 3 में आता है, लेकिन रूस की राजधानी मॉस्को में यूक्रेन के ड्रोन अटैक से सवाल उठने लगे हैं। सवाल यह है कि क्या पुतिन का शहर अब सुरक्षित नहीं बचा? यूक्रेन के लेटेस्ट ड्रोन अटैक के बाद से क्रेमलिन में हलचल काफी बढ़ गई है। पुतिन का रिवेंज प्लान किसी भी वक्त तबाही मचा सकता है। रूस के दिल पर यूक्रेन का अटैक। मॉस्को पर हमला रूस को बड़ी चुनौती। यूक्रेन के टारगेट पर मॉस्को, क्या अब रूस की राजधानी भी सुरक्षित नहीं है? क्या रूस को खुलकर ललकार रहा है यूक्रेन? रविवार सुबह जब यूक्रेन ने मॉस्को पर ड्रोन से हमला किया तो वहां मौजूद लोगों की चीख निकल गई। हमला होते ही रूस ने न सिर्फ उड़ानों को रोक दिया बल्कि मॉस्को के ऊपर एयर स्पेस को भी बंद कर दिया। दहशत इतनी फैल गई कि 1 घंटे तक मॉस्को के आसमान में कोई विमान उड़ नहीं पाए। यूक्रेन के ड्रोन हमले में बिल्डिंग का एक हिस्सा तबाह हो गया, सड़क पर मलबा बिखर गया, और कुछ देर के लिए वहां के लोगों के होश फाख्ता हो गए। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने कई ड्रोन से मॉस्को को निशाना बनाया, मॉस्को को टारगेट कर बड़े हमले की तैयारी थी। यूक्रेन ने एक के बाद एक कई ड्रोन मॉस्को को दहलाने के लिए भेजा था। पहले ड्रोन ने एक बिल्डिंग को निशाना बनाया, इमारत के निचले फ्लोर को टारगेट कर हमला किया। धमाके की गूंज जैसे ही वहां के लोगों के कानों में पहुंची, वहां चीख पुकार मच गई। पहले हमले के बाद 3 ड्रोन और हमले की तैयारी में थे। मॉस्को के आसमान से वो अपना टारगेट सेट कर रहे थे। शुरुआती हमले के बाद 3 ड्रोन जब मॉस्को की सीमा में दाखिल हुए तो रूस के होश उड़ गए। तीनों तेजी से अपने लक्ष्य को भेदने की कोशिश में जुटे थे, लेकिन इस बीच रूस का एयर डिफेंस सिस्टम हरकत में आया और एक ड्रोन को आसमान में ही मार गिराया। बाकी 2 ड्रोन जाम कर दिए गए जो एक बिल्डिंग परिसर में टकराकर तबाह हो गए। रूस ने मॉस्को की सुरक्षा को लेकर तुरंत कई कदम उठाए, शहर के हवाई अड्डे को बंद कर दिया और एयर स्पेस में किसी को घुसने की इजाजत नहीं दी। मॉस्को पर हुए अटैक से एक पावरफुल कंट्री में, कैपिटल सिटी में सिक्योरिटी को लेकर टेंशन बढ़ चुकी है। रूस ने तो इस हमले को आतंकवाद से जोड़ दिया है।
रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मॉस्को शहर की इमारतों पर ड्रोन से हवाई हमले की कोशिश की गई। कीव शासन के आतंकी हमले के प्रयास को नाकाम कर दिया गया। हमने यूक्रेन के एक ड्रोन को मार गिराया और दो ड्रोन को निष्क्रिय कर दिया गया। इस हमले में किसी की जान नहीं गई है, सिर्फ एक सुरक्षा कर्मी जख्मी है और बिल्डिंग के कुछ हिस्से टूट गए हैं। हमले का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जब ड्रोन से बिल्डिंग पर अटैक किया गया तो सीसीटीवी कैमरे में तेज रोशनी कैद हो गई। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबयानिन ने बताया कि हमले के बाद दो कार्यालय टावरों के अगले हिस्से में थोड़ा नुकसान हुआ है। संयोग ठीक था कि बाकी तीन ड्रोन से शहर पर हमला नहीं हुआ। रूसी टेस्ट समाचार एजेंसी ने इसे ड्रोन हमलों की नई श्रृंखला बताया है, जिसकी जद में यूक्रेन की सीमा के पास के क्रेमलिन और रूसी शहर भी शामिल हैं। फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तभी से रूस के कब्जे वाले कुछ हिस्सों को लेने के लिए यूक्रेनी जवाबी कार्रवाई में लगे हैं। इसे लेकर रूस ने अमेरिका और नेटो पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रूस के विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन के हमले पर बयान जारी किया है। ऐसे हमले अमेरिका और नाटो की मदद के बिना कीव शासन नहीं कर सकता। इसी महीने की शुरुआत में रूस ने 5 यूक्रेनी ड्रोन को मारने का दावा किया था, क्योंकि यूक्रेन के इन ड्रोन ने मॉस्को के वानुकोवो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम बाधित किया था। उधर यूक्रेन के अधिकारियों ने रूस पर हमला करने के आरोप लगाए हैं। यूक्रेन का कहना है के उत्तर पूर्वी शहर सुमी पर रूस ने मिसाइल से हमला किया। रूसी हमले में एक नागरिक की मौत हो गई और 5 लोग जख्मी हो गए। 29 जुलाई को यूक्रेन के एक शिक्षण संस्थान पर रूस ने मिसाइल से हमला किया, जिससे पूरी बिल्डिंग मटियामेट हो गई। अब सवाल है कि रूस के सामने हर क्षेत्र में कमजोर यूक्रेन डायरेक्ट फाइट क्यों कर रहा है? ड्रोन अटैक करके यूक्रेन पुतिन को क्यों उकसा रहा है? रूस और यूक्रेन के बीच सैन्य शक्ति का जब आकलन करेंगे तो यूक्रेन रूस के सामने कहीं नहीं ठहरता। रूस के पास करीब 30 लाख सैनिक हैं, जबकि यूक्रेन के पास 11,55,000। रूस के पास एक्टिव सैनिक 9 लाख हैं, जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ 2 लाख। रूस के पास 20 लाख की रिजर्व सेना है, जबकि यूक्रेन के पास 9 लाख की। रूस की वायुसेना में 1,511 लड़ाकू विमान हैं, जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ 98 फाइटर प्लेन हैं। रूस के पास 544 लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं, तो यूक्रेन के पास सिर्फ 34। रूसी सेना के पास 12,240 टैंक हैं, जबकि यूक्रेनी सेना में 2,596 टैंक हैं। रूसी सेना ताकत के मुकाबले में यूक्रेन से कहीं ज्यादा मजबूत है। जंगी जहाज और परमाणु बम के मामले में यूक्रेन रूस के सामने कहीं नहीं ठहरता है। रूस की अर्थव्यवस्था भी यूक्रेन से 10 गुना ज्यादा बड़ी है। लेकिन ये भी सच है कि यूक्रेन से युद्ध में रूस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। एक छोटे से देश ने दुनिया के सुपर पावर देश की नाक में दम कर दिया है। लगातार वो रूस के हमले का जवाब दे रहा है। 24 फरवरी 2022 से लेकर अब तक युद्ध में डटा हुआ है। रूस ने सरेंडर करवाने की कोशिश की, लेकिन यूक्रेन आज भी मैदान में खड़ा है। लेकिन इस युद्ध में उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा है। रूस और यूक्रेन के बीच 17 महीने से महासंग्राम छिड़ा है। इस लड़ाई में दोनों देशों को बहुत भारी नुकसान हुआ है। नई स्टडी में नुकसान को लेकर जो आंकड़े आए हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। रूस का दावा है कि इस युद्ध में उसके करीब 6,000 सैनिक मारे गए हैं, जबकि 522 दिनों की जंग में 50,000 से ज्यादा सैनिकों के मरने की खबर है। एक स्टडी के मुताबिक साल 2022 में 25,000 रूसी सैनिक मारे गए और मई 2023 तक 20,000 जवानों ने लड़ाई में जान गंवाई। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने 40,000 से 60,000 रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है, जबकि यूएस डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने करीब 35,000 से 43,000 सैनिकों के मरने की बात कही है। रूस के हमले में बड़ी संख्या में यूक्रेनी जवान भी मारे गए हैं। रूस का दावा है कि इस जंग में यूक्रेन के करीब 1.5 लाख सैनिक मारे गए हैं। एक रिसर्चर ने दावा किया कि अब तक यूक्रेन के 1 लाख सैनिक युद्ध में मारे गए हैं। यूएन का मानवाधिकार डिपार्टमेंट ऐसे हताहतों को लेकर आधिकारिक आंकड़े जुटाता है। अभी तक मरने वालों की कोई स्पष्ट संख्या सामने नहीं आई है, लेकिन इस जंग में यूक्रेन के कई शहर तबाह हो गए हैं और रूस भी अपने हजारों जवान खो चुका है। अब मॉस्को में हुए हमले को रूस गंभीरता से ले रहा है।
आने वाले वक्त में वो और जोरदार हमला कर सकता है और यूक्रेन में भारी तबाही मचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी न्यूज। और अब बात देश के उस दुश्मन की जिसे एक डील से भारत ने बेचैन कर दिया है। कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान और तुर्की की जुबान बोलने का खामियाजा अजरबैजान को अच्छे से भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि आर्मेनिया के जंगी जखीरे में मेड इन इंडिया डेडली वेपन्स आ चुके हैं। अब अगर जंग हुई तो आर्मेनिया हिंदुस्तानी हथियारों से अजरबैजान के छक्के छुड़ा देगा। ...2020 का ये वॉर वीडियो आप भूले नहीं होंगे। 27 सितंबर 2020 से लेकर 10 नवंबर 2020 के दरमियानी 44 दिन नारगोनो काराबाख में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। तुर्की के डेडली ड्रोन्स के दम पर अजरबैजान ने आर्मेनिया को गहरे जख्म दिए थे। इसके बाद अक्टूबर 2021 में यूनाइटेड नेशंस में अजरबैजान ने कश्मीर पर जहरीला बयान दिया था। दो साल भी नहीं बीते, अजरबैजान अपनी कट्टर सोच का खामियाजा भुगतने लगा। हिंदुस्तान के कूटनीतिक वार से अजरबैजान बिलबिला उठा है। जिस आर्मेनिया को अजरबैजान अपना दुश्मन नंबर एक मानता है, उस आर्मेनिया के साथ भारत ने बहुत बड़ी डिफेंस डील की है। आर्मेनिया को भारत ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर दिया है। इतना ही नहीं, विध्वंसक पिनाका के बाद भारत ने शुद्ध देसी हॉविट्ज़र तोप का पहला बैच भी आर्मेनिया पहुंचा दिया है। इस तोप का नाम है TC-40। भारत के द्वारा आर्मेनिया को भारत निर्मित मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका के दिए जाने के संदर्भ में अजरबैजान ने भारत से अपना विरोध दर्ज कराया है। अजरबैजान का ये कहना है कि इससे आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच का जो तनाव है वो और बढ़ सकता है। अजरबैजान ने इस संदर्भ में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और उसमें जो भारत की भूमिका रही है उसकी भी दुहाई दी है। तुर्की और पाकिस्तान की बातों में आकर अजरबैजान ने कश्मीर पर जहर उगला, वो भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर। कश्मीर पर इंडिया का स्टैंड क्लियर है। जो भी भारत के अभिन्न अंग पर गलत बयानबाजी करेगा उसका नाम दुश्मनों की लिस्ट में ऐड हो जाएगा और फिर सबक उसी भाषा में सिखाया जाएगा जो भाषा दुश्मन को समझ में आए। यही वजह है कि अजरबैजान के आधिकारिक विरोध के बावजूद भारत ने आर्मेनिया को वेपन सप्लाई किया। टर्की के द्वारा अजरबैजान को जो सपोर्ट दिया गया था उसका मूल कारण ये था कि अजरबैजान एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र है और अजरबैजान ने आर्मेनिया के ऊपर युद्ध में एक विजय पाने का भी दावा किया था और पाकिस्तान के उकसावे पर अजरबैजान के द्वारा कश्मीर के मुद्दे को समय समय पर उठाने की कोशिश की जाती रही है। और जाहिर है कि भारत के ये हितों के विपरीत है और जहाँ तक भारत और आर्मेनिया के बीच के संबंध हैं वो लगातार बेहतर हो रहे हैं। अजरबैजान भारत के वार से छटपटा रहा है। जल्दबाजी में उसने वही हरकत की जिसकी एक कट्टर मुल्क से उम्मीद की जा सकती है। खबर है कि अजरबैजान पाकिस्तान से JF-17 खरीदने वाला है। JF-17 एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो पाकिस्तान को चीन से मिला है। भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना उसे बंद करना होगा और जाहिर है कि अजरबैजान यदि इस तरीके की भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होता है, यदि वो नए पोलराइजेशन में शामिल होता है, वो टर्की और पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को गहरा करता है और पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों की सतह पर वो कश्मीर जैसे मुद्दों को अगर वो भविष्य में भी उठाने की कोशिश करेगा तो जाहिर है कि ये अजरबैजान के हितों के विपरीत होगा। तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान की तिकड़ी का इलाज भारत के पास तैयार है। अजरबैजान की गैस फील्ड में भारत का बड़ा निवेश भी था लेकिन कश्मीर की वजह से रिश्ते बिगड़ गए। पिनाका के लिए भारत और आर्मेनिया में 2000 करोड़ रुपए की बड़ी डिफेंस डील हुई है। अब अगर काराबाख जैसी गुस्ताखी अजरबैजान ने दोबारा की तो जवाब पिनाका से मिलेगा।
2024 में भारत के साथ पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी चुनाव है। वहां शेख हसीना सरकार के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोला हुआ है। बांग्लादेश में विपक्ष शेख हसीना का इस्तीफा मांग रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, कट्टरपंथी सड़क पर उतर आए हैं। वहीं नेपाल में भी प्रचंड के खिलाफ विरोध के स्वर उठे हैं। ढाका की सड़कों पर आंसू गैस के धुएं के उस पार कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। प्रदर्शनकारी धुएं को दीवार बनाकर सुरक्षा बलों पर जमकर पथराव कर रहे थे। ढाका के ही दूसरे कोने में तोड़फोड़ करते लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती गई और फिर भारी पथराव, गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू हो गई। जवाब में बांग्लादेश पुलिस ने भी हाथ में पत्थर उठा लिए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा मांग को लेकर विपक्ष ने ढाका की सड़कें जाम कर दी, जमकर तोड़फोड़ और पुलिस पर पथराव किया। जब प्रदर्शन उग्र हुआ तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच गुरिल्ला वार शुरू हो गया। जनवरी 2024 में बांग्लादेश में आम चुनाव होने हैं। चुनाव के नजदीक आने के साथ ही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और कई अन्य छोटी विपक्षी पार्टियों ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। আমরা গণতান্ত্রিক নীতি পদ্ধতি এবং যে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি হয় যেভাবে দরকার সেইভাবে করে আমরা জনগণকে সাথে নিয়ে নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে আমরা আমাদের কর্মসূচি করছি। হ্যাঁ, তারা আক্রমণ করতে পারে, তারা আঘাত করতে পারে, কিন্তু আমাদের দৃঢ়তা, আমরা আমাদের আমাদের যে দাবি এটা ন্যায়সঙ্গত দাবি, আমরা আদর্শের পথে। বিপক্ষ কা আরোপ হ্যায় কি শেখ হাসিনা সরকার करप्शन और मानवाधिकार का हनन कर रही है। ऐसे में शेख हसीना तुरंत संसद भंग करें और देश में लोकतंत्र बहाली के लिए एक अंतरिम केयरटेकर गवर्नमेंट को सत्ता सौंपे। चुनाव नजदीक आने के साथ ही विपक्षी प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। इन आंदोलनों का, इन प्रोटेस्ट का एक कारण ये है कि बांग्लादेश शेख हसीना पिछले 3 कार्यकाल से प्रधानमंत्री है, अपनी पार्टी आवामी लीग के अध्यक्ष है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि चौथे कार्यकाल में भी वो प्रधानमंत्री के तौर पर वापस लौटेंगे, जबकि बीएनपी नहीं चाहती। इसीलिए बीएनपी जिसके पास सिर्फ 7 सांसद हैं, जबकि शेख हसीना के पास 350 में से 330 सांसद हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पहले ही जनवरी 2024 में आम चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में विपक्ष सड़कों पर उतर आया है। दरअसल शेख हसीना की बांग्लादेश अवामी लीग 2008 से चुनाव जीत रही है, जबकि मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की नेता खालिद अजिया 2018 से जेल में बंद है। देखिए, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी एक तरह से कमजोर थी, परंतु अब उसकी ताकत बढ़ गई है। पर आप ये भी देखिए, जो फिलहाल शेख हसीना की पार्टी है जो कि सत्ता में है, ये 15 साल से सत्ता में है और एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी अब आने लगा है शेख हसीना की सरकार के ऊपर इतने लंबे समय से। वहाँ दूसरी तरफ जो ऑपोजिशन यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, इसकी कुछ इन्फ्लुएंस बढ़ा है। 2009 से बांग्लादेश की सत्ता में मौजूद शेख हसीना 2024 में भी प्रधानमंत्री पद की मजबूत दावेदार मानी जा रही हैं, लेकिन कई वजहों से उन्हें इस बार विपक्ष के कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल 2001 में खालिदा जिया जीती, लेकिन 2008 में अवामी लीग ने परचम लहराया और शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी और एक बड़ा बदलाव किया। 2011 में शेख हसीना सरकार ने कार्यवाहक सरकार के नियम को खत्म कर दिया और फिर 2014 में सत्ता हासिल कर ली, लेकिन इसी के साथ बांग्लादेश में कट्टरवाद की भी एंट्री हो गई। 2018 में करप्शन के मामले में खालिद अजिया को जेल होने के साथ ही एक तरह से उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया, लेकिन खालिदा की पार्टी बीएनपी ने मैदान नहीं छोड़ा। 2018 में शेख हसीना को टक्कर दिया, लेकिन कुर्सी नहीं मिली और एक बार फिर शेख हसीना की पार्टी को जीत मिली।
दोनों ही पार्टियां बांग्लादेश की सत्ता पाने के लिए अलग अलग सियासी दांव आजमाती रही हैं, लेकिन अब तक शेख हसीना का दांव भारी पड़ता रहा है। इन दोनों की सियासत में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ना पॉलिसीज कोई ज्यादा डिफरेंट है, कुछ को छोड़ दीजिए जो मोटा मोटा डिफरेंसेस है, हाँ, बट ओवरऑल देश कहाँ चलाना है, करप्शन को लेके क्या करना है, दोनों ही कहते हैं करप्शन हटानी है, दोनों ही कहते हैं देश को बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें दोनों की एक जैसी हैं और दोनों एक अपने ही सपोर्टर्स को ज़्यादा फायदा पहुंचाते हैं जब सरकार में होते हैं और अपने ओपोनेंट को जेलों में डलवाते हैं जब सरकार में होते हैं। विपक्ष ने ऐसे समय में प्रदर्शन तेज किया है जब बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की हालत बिगड़ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से तेल की कीमतें काफी बढ़ गई हैं, रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाले सामानों की कीमतों में काफी इजाफा हुआ है। ऐसे में करीब 13 साल बाद शेख हसीना को विपक्ष के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष का दावा है कि बिना केयर टेकर सरकार के निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते हैं। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में अवामी लीग और बीएनपी की राजनीतिक विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर है। 2014 में बांग्लादेश में आवाज उठाने वाले कई ब्लॉगरों की हत्या हुई थी। इन हत्याओं के पीछे कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों का हाथ माना गया, क्योंकि खालिदा जिया की राजनीति पाकिस्तान सेंट्रिक और कट्टरवाद की तरफ झुकी मानी जाती है। शेख हसीना और खालिदा जिया में भारत के लिए तो मोटा मोटा देखा जाए शेख हसीना बेहतर है, क्योंकि खालिदा जिया की जो पार्टी बीएनपी है वो हार्ड इस्लाम को प्रमोट करती है बांग्लादेश में, और उसके जो सपोर्टर्स हैं अलग अलग छोटी और पार्टी जो उसके साथ जुड़ रही हैं या उसका जो वोटर बेस है वो ज़्यादा हार्ड इस्लाम की अडॉप्शन चाहता है बांग्लादेश में। बांग्लादेश के बाद भारत के दूसरे पड़ोसी सबसे करीबी देश नेपाल में भी सियासत तेज है। हाल ही में नेपाल में प्रचंड सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए थे। अब रोजमर्रा की चीजों के बढ़ते दामों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में विपक्ष को प्रचंड सरकार को घेरने का एक और मौका मिल गया है। नेपाल के प्रमुख विपक्षी दलों का ये आरोप है कि नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भारत और एक नेपाल स्थित भारतीय बिजनेसमैन के संदर्भ में कुछ विवादित बयान दिए हैं, जिससे कि नेपाल की संसद की गरिमा को और नेपाल की गरिमा को ठेस पहुंची है। ऐसा आरोप नेपाल के विपक्षी दलों के द्वारा लगाया गया था। नेपाली व्यापारियों का दावा है कि सरकार ने जब से 13% वैट लगाया तब से भारत से आयात करीब करीब बंद हो गया। नतीजतन जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। नेपाल में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और फैसले को जनता विरोधी करार दे रहा है। भारत के दो पड़ोसी देशों में विरोध के बादल छाए हुए हैं। कट्टरपंथियों ने मोर्चा खोल दिया है। नेपाल में विरोध से भारत का कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन बांग्लादेश में अगर कट्टरपंथियों की समर्थित पार्टी सत्ता में आ गई तो चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और एक शांत बांग्लादेश फिर अशांत हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें जो कि पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में धमाके में 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इस धमाके में 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जमीयत उलेमा इस्लाम के दफ्तर में यह धमाका हुआ था। खैबर पख्तूनख्वा के बाजार इलाके में यह धमाका हुआ था जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 200 से ज्यादा लोगों की घायल होने की खबर है। तो ये एक कार्यक्रम चल रहा था, कई कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल थे और उसी दौरान ये धमाका होता है। देखिए, तो जमीयत उलेमा इस्लाम के दफ्तर में कार्यकर्ता जुटे हुए थे बड़ी संख्या में, उसी दौरान ये हंगामा, ये धमाका होता है और उसके बाद देखिए किस तरीके की अफरा तफरी। घायलों को अस्पताल ले जाया गया और 50 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। और जिस तरीके से घायलों की संख्या है, इस बात की भी आशंका है कि ये अभी जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है मौत का। 50 से ज्यादा लोग जिनकी जान चली गई है, कई लोग गंभीर तौर पर घायल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ये धमाका हुआ, जमीयत उलेमा इस्लाम का दफ्तर था और वहां पर एक कार्यक्रम चल रहा था। आप देखिए, काफी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे।
उसी कार्यक्रम में अचानक से ये धमाका होता है जोरदार, हर तरफ चीख पुकार मच जाती है, 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है इस धमाके में। अब ये ब्लास्ट जिस तरीके से हुआ है, जिस तरह से इसे इन लोगों को निशाना बनाया गया, दफ्तर के भीतर ये धमाका हुआ है, किस तरह का ये हमला, कौन इसके पीछे, इसको लेकर जो भी जानकारी होगी आगे आपको देंगे। लेकिन फिलहाल आप जरा इन तस्वीरों को देखिए, हम पूरी तरह से आपको तस्वीरें दिखा भी नहीं सकते। खौफनाक मंजर है वहां, जिस तरह से अचानक ये धमाका होता है और इस बम धमाके में 50 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है।